वेतन विसंगति को दूर करने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के सदस्य पिछले 4 दिनों से विकास भवन परिसर में कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। कलमबंद हड़ताल के 4थे दिन समन्वय समिति के सदस्यों ने गीत के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समिति के लोगों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के मंडल प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, बहिष्कार का आज 4था दिन है। हमारे प्रदेश नेतृत्व के दोनों अध्यक्ष के आमरण अनशन का आज 5वां दिन हम लोग का आज कार्यक्रम है। आज यहाँ पर विकास भवन के अंदर गोरखपुर मंडल के चारों जनपद के पदाधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी साथ में एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद हम लोग गोरखनाथ मंदिर प्रतिनिधि मंडल हमारा जाएगा और मुख्यमंत्री जी को संबोधित हमारी 3 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन हम लोग उनके प्रतिनिधि को देने का काम कर रहे हैं। तो क्या आश्वासन मिला था और उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए? जी, सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अजय धर्मपाल जी से हम लोग सर्किट हाउस में मिले और उनको एक ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपकी जो समस्याएं हैं वो विभागीय मंत्री चाहे ग्राम विकास की हो चाहे पंचायत राज की हो उनसे कहिए और आंदोलन को समाप्त करिए। लेकिन हमने उनको अवगत करा दिया कि बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है। पिछले 1.5 से 2 महीने से मेरा लगातार आंदोलन चल रहा है बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से और जब तक हमारी 3 सूत्रीय मांगों पर मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान नहीं लेंगे या हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तब तक हमारा यह कलमबंद का बहिष्कार चलता रहे।